तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में जानने वाले हैं किस तरीके से अपना जो पबजी है उसका जो आईडी है आप एक फेसबुक अकाउंट से दूसरे फेसबुक अकाउंट पे किस तरीके से ट्रांसफ़र कर पाएंगे, वो भी बिना किसी जो है परेशानी से। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊँगा आप किस तरीके से एक फेसबुक अकाउंट का जो पबजी आईडी है उसे दूसरे फेसबुक अकाउंट पर किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, अपना जितना भी डेटा है सब कुछ बचा कर। ठीक है, जो है कोई भी डेटा वहाँ कर आपका जो है पबजी का जितना भी सब कुछ है, जो कि आपने रॉयल पास वगैरह वहाँ पर लिया हुआ है और आपके जितने भी इन्वेंट्री वगैरह हैं वो सब कहीं नहीं जाएंगे। आप जो है सिर्फ अपना फेसबुक अकाउंट को स्विच करेंगे। ठीक है, का जो अभी नॉर्मल जो भी अकाउंट है आप उसे किस तरीके से दूसरे अकाउंट पे नए अकाउंट पे जो है ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं किस तरीके से आप करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया था आप किस तरीके से अपने फेसबुक जो है अपने पबजी के आईडी को फेसबुक से ईमेल पे डालेंगे किस तरीके से करेंगे, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जाके 100% वो वाला वीडियो देखिए, क्योंकि उसका जो है इस वीडियो का जो है थोड़ा सा हिस्सा उस पार्ट पे है। ठीक है, तो आप जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से आप जो है अपने फेसबुक से जो है अपने पबजी के आईडी को फेसबुक से जो है ईमेल पे किस तरीके से लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको इस पे बताऊंगा अब फेसबुक से फेसबुक को किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इससे जो है ईमेल का थोड़ा सा हाथ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो है पिछले वाला वीडियो जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का बटन मिल जाएगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी नया वीडियो लाता रहूँगा इसी तरीके का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सारा कुछ डिटेल्स में अब किस तरीके से सारा कुछ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने पबजी के स्क्रीन पे, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए मेरा ये वाला आईडी है जिसे कि मैं फेसबुक टू फेसबुक स्विच करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उससे ये इंटरलिंक है तो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है और जो है प्ले गेम्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है ये आपका गूगल प्ले गेम का जो आईडी है, ईमेल आईडी है, उसे यहाँ पर ऐड कर देगा। ठीक है, ये किस तरीके से होता है मैंने पिछले वीडियो पर बताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर आपको एक बार ईमेल ऐड करना है फेसबुक स्विच करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं जैसे ही जैसे करता हूँ आपको बिल्कुल वैसी तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिस भी ईमेल आईडी को मुझे यहाँ पर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो भी परमिशन के लिए मांगेगा तो मैं इसे अलाउ कर दूँगा सिंपली। तो दोस्तों आप अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इसे देख रहे हैं, तो आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपके पास ये वाला ऑप्शंस भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलाउ करने के बाद देख लीजिए, मुझे यहाँ पर दिखा रहा है मैं गूगल प्ले से भी जो है इसे लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा गेम को जो है यहाँ से लॉग आउट कर देना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लॉग आउट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक कर देता हूँ, तो लॉग आउट पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देता हूँ, तो मेरा जो है यहाँ से गेम लॉग आउट हो चुका है। अब जो है मैं यहाँ पर मोर पे क्लिक करूँगा, प्ले गेम्स पे क्लिक करके इसे जो है गूगल प्ले गेम से लॉग इन करूँगा, देखते हैं वो वाला आईडी आता है या नहीं। तो मैंने पिछले वीडियो पे उसे प्रूफ करके भी दिखाया था, तो मैंने पूरा 100% प्रूफ के साथ उस पर दिखाया था ये जो है ई मेल आईडी के ट्रांसफ़र करने पर जो है वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है पबजी खुल चुका है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए मेरा जो है, मैं सेटिंग पर चलता हूँ और यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको मेरा यहाँ पर पबजी आईडी से ये जो है लॉगिन है, वही वाला अकाउंट है, देख लीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ पर फर्स्ट पे जो है फेसबुक दिखा रहा था, अब जो है यहाँ पर दिखा रहा है जीमेल। तो हमें सिंपल सा यहाँ पर अनलिंक पे क्लिक कर देना है, वहीं पर जो दिया हुआ है, उसके बाद जो है यहाँ पर फेसबुक का आइकन आ जाएगा, देख लीजिए। हमें जो है इस फेसबुक अकाउंट को हटाना है तो हमें अनलिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको कंटिन्यू करना है, फिर जो है यहाँ पर अनलिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख लीजिए आपको यहाँ पर टाइमिंग दिखा देगा, ये देख लीजिए यहाँ पर 7 डे दिखा रहा है आपका जो है, 7 दिन में ये फेसबुक अकाउंट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर प्लस का आइकन बन जाएगा। तो आपका काम जो दोस्तों यहाँ पर इतने में ख़त्म नहीं होता, हमें सिंपल सा करना क्या है, इसे यहाँ से अभी लॉग आउट कर देता हूँ। तो आप इसे लॉग इन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जो है अपने फेसबुक अकाउंट पर आ जाना है, जिस भी अकाउंट से आपका वही पुराना जो है आईडी बना हुआ है। ठीक है, उस पर आ जाना है। उस पर आने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर
थ्री बार्स पे जाना होगा, तो मैं दिखाता हूँ जाके। मेरा जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है इंटरनेट, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो स्क्रीन यहाँ पर थोड़ा सा पॉज हो गया है, तो कोई नहीं, यहाँ पर कैंसिल मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से दोबारा जो है मैं फेसबुक को ओपन करता हूँ। तो फेसबुक देखिए ये ओपन हो चुका है, जैसे ओपन हो चुका है मैं यहाँ पर थ्री बार पे चलता हूँ। थ्री बार पे जाने के बाद आपको सिंपल सा नीचे जाना है, यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको जो है सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ आने के बाद आपको सिक्योरिटी वाले सेक्शन पे यहाँ पे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स एंड वेबसाइट्स। ठीक है, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर आपके आगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, लॉग इन विथ फेसबुक। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है, तो आपके फेसबुक के जितना भी गेम्स वगैरह होगा सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो देख लीजिए मेरा यहाँ पर पबजी मोबाइल ग्लोबल और KR दोनों ही इस फेसबुक अकाउंट से बने हैं। तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आपको सिंपल सा नीचे ड्रैग कर देना है, यहाँ पर रिमूव वाला बटन मिल जाएगा, फिर आपको जो है रिमूव पर क्लिक करके इसे रिमूव कर देना है। ठीक है, तो मैं जो है ग्लोबल और पबजी दोनों को जो है KR दोनों को जो है इसे रिमूव कर देता हूँ। फिर से यही प्रोसेस देख लीजिए, यहाँ पर रिमूव दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर रिमूव पे क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ रिमूव पे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पासवर्ड वगैरह नहीं मांगने वाला दोस्तों, तो मैं यहाँ से इसे मैंने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद मैं बैक आ जाता हूँ पूरा टोटली। ठीक है, और भी मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपको जो है सेकंड में, यहाँ आने के बाद सेकंड में ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इसे ऑफ कर देना है, ताकि आप जब भी गेम ऑन करें तो इस बारे फेसबुक आईडी से जो है आपका लॉगिन ना हो ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक जो लॉगिन हो जाता है वो यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको सिंपल सा बैक आ जाना है, आपका जो है यहाँ का काम जो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप इस फेसबुक अकाउंट को यहाँ से लॉग आउट कर दीजिए, और आपको जिस भी अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना है उस अकाउंट को यहाँ से लॉग इन कर देना। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद आपको जो है फिर से वापस यहाँ पर आ जाना है अपने पबजी पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना पबजी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपने पबजी को यहाँ से ओपन करेंगे, हमने जो है लॉग आउट किया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लॉग आउट किया था, तो फिर से जो है हम ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे, फिर वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्लस वाला आइकन बना है या नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं बना है तो आपको करना क्या है मैं आपको वो भी बताऊँगा, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, जैसे ही ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको जो है गूगल प्ले वाला अगर ऑप्शन समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं जो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा पिछले वीडियो का, जिस पे मैंने डिटेल्स में बताया, आप जाकर वो वाला देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोर पे क्लिक करता हूँ, मोर पे क्लिक करने के बाद गूगल पे गूगल गेम जो प्ले गेम पे यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने जिस भी ईमेल से उसे लॉगिन किया था ईमेल जो गेम को, तो उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये जो है डायरेक्टली ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जैसे ओपन होता है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अभी के आगे, जो मेरा यहाँ पर ईमेल आईडी से ये लॉगिन हुआ है। ठीक है, तो फेसबुक जो है मैंने फेसबुक से जाके इस गेम के आईडी को हटा दिया है, और जो है यहाँ से भी अनलिंक कर दिया है पबजी मोबाइल से। ठीक है, अनलिंक कर दिया है, मेरा पबजी जो है टोटली अभी रन हो रहा है जीमेल आईडी पे। ठीक है, जो मेरा जीमेल आईडी है, तो यहाँ पर चलते हैं सेटिंग पे, तो देख लीजिए यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर 6 डे दिखा रहा है। ठीक है, हमारा जो है ठीक 6 दिन के बाद जो है यहाँ से पबजी अनलिंक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है आपके आगे यहाँ पर प्लस वाला आइकन बन के आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है दोस्तों जैसे ही यहाँ पर अनलिंक हो जाता है 6 दिन के बाद, तो आपका यहाँ पर प्लस वाला आइकन आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक कर देना, और अपना जो भी वहाँ पर फेसबुक जिस भी अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ पर आपका जो है आईडी पासवर्ड वगैरह दे देना, वहाँ पर जो है फेसबुक ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर फेसबुक कनेक्ट हो जाएगा प्लस वाला आइकन जैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं वो प्रोसेस भी जो है आपको करके दिखाऊंगा, 6 दिन के बाद एक वीडियो बनाकर आपको मैं पर्टिकुलर उस पर बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है जो फेसबुक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र आपके पबजी आईडी का। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं लाऊँगा आप उसे मिस ना कर पाएँ। ठीक है,
तो दोस्तों अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं इसी तरह की कंटेंट जब भी लाता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।